दोस्तों राम राम जय हिंद। मैं एक्स आर्मी टैग कैलाश सिंह थापा, कैलाश डिफेंस फिजिकल एकेडमी संस्थापक एंड बॉक्सिंग कोच एंड फिजिकल कोच। दोस्तों आज मैं जो आपको वीडियो आप दिखा रहा हूँ और जो बच्चों को एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, खास तौर पे जो बच्चे हमारे जो पूरा फिजिकल जो है 100 में से 100 पॉइंट्स के होना था, मगर कुछ बच्चे हमारा रनिंग तो कर लेते हैं मगर पुलअप के लिए एक पुलअप भी हमारा माइनस होता तो डायरेक्ट 7 पॉइंट माइनस होते हैं। इसलिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें किस प्रकार के पुलअप को 10 आपने पूरे बराबर करने हैं। 10 तो आपने अभी जो ट्रेनिंग टाइम पर कर रहे हो, ट्रेनिंग टाइम पर कम से कम आपको 15 पुलअप होने हैं। हो सकता है कि वहाँ पे जहाँ पे आप भर्ती में जा रहे हो वहाँ पे तुरंत रनिंग के बाद ही कभी कभी क्या करते हैं कि तुरंत से पुलअप में ले आते हैं, इसलिए आपको आपके पास कम से कम 15 पुलअप का होना बहुत ज़रूरी है। 12-15 के बीच में होने चाहिए। इसलिए कैसे होंगे आप वीडियो लास्ट तक देखें और नीचे कमेंट भी लिखें, आपको जो डाउट जा रहा है या कोई शक हो रहा है कि कैसे करने करें पूरा आपको 10-12-15 पुलअप। नंबर एक एक्सरसाइज में दिखा रहा हूँ आपको, इसको आप जो एक्सरसाइज में नंबर एक दिखा जा रहा हूँ जो हमारा बच्चा कर रहा है, जो हमारा हॉस्टल का बच्चा है, डाउन 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 वो, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने जो है एक मिनट का इसको एक मिनट देना है, फिर एक मिनट बाद इसको आप 30 सेकंड का रिकवर करना है, रिकवर फिर एक्सरसाइज शुरू करनी है। इसकी तीन एक्सरसाइज बताऊंगा मैं। नंबर एक, आपका 100% 12-15 पुलअप ऊपर ही जाएंगे मगर डाउन नहीं होंगे। आप 3 महीने कंटिन्यूस एक्सरसाइज को, जो 0 से बच्चा शुरू कर रहा है वो भी 12-15 उसका जाएगा पुलअप। नंबर एक्सरसाइज देखिए, आपको पूरा एंड को जो है चेंज करते हुए पूरा हाथों में वेट रखो और ये ऑफ। अभी आपने लेग को जो है 45 डिग्री में आराम से ये रखना है। अब आप आप माउंट करने में आप पूरा लेग को आप जो है हाई रनिंग में पूरा स्टेप खींचने पूरा स्टेप को ये पूरा स्टेप लो। अभी नया बच्चा हमारा नया अभी 15-20 हुए हैं या पास डाउन। नंबर एक्सरसाइज, इसको आपने जो है एक फर्स्ट जब बेसिक स्टार्ट कर रहे हो 0 से तब आपने जो है इसको फर्स्ट केवल एक रैप रखो, उसमें 2 राउंड रखने हैं उसमें, और आपने रैप के जो आप राउंड रख लो 1 मिनट 30 सेकंड रिकवर, 1 मिनट 30 सेकंड रिकवर। अभी नंबर 2 एक्सरसाइज, आप सुबह काउंटिंग शुरू करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इस तरह आपने 23 काउंटिंग भी करते रहनी है। 40 सेकंड आप वर्कआउट कर रहे हो, कोई साथ में है या नहीं है तो आपने 40 सेकंड आपने इसको वेट करना है। यहाँ पर 40 सेकंड वेट करने के बाद 20 सेकंड का रिकवर करना है और फिर नंबर 2 एक्सरसाइज आप हाँ पास डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप बॉडी पैरेलल में बॉडी का वेट पूरा इस पर टो में हो और पूरा हैंड जो दे रहे हो आप पूरे हैंड में इस तरह नीचे आर्म्स में बाजू में। नंबर 2 एक्सरसाइज ये है। नंबर 3, 110% आपका जो है 12-15 पुलअप 4 मंथ्स के अंदर आएंगे ये हमने ऑन ग्राउंड किया हुआ है और 27 ईयर काम को जो है इंडियन आर्मी का एक्सपेंस है और हमने ऐसे ऐसे लड़के 0 जिनका वेट ही जो है 70-80 था उन बच्चों को भी हमने 12-15 पुलअप किए हैं, पूरा क्लियर टेस्ट किया है। और छोटी सी गलती से हम जहाँ पर हमको जो है 10 पुलअप होने थे 40 मार्क्स मिलने थे मगर एक पुलअप माइनस होने से हमारा क्या हो गया 7 पॉइंट माइनस हो गए। हम जब 7 पॉइंट माइनस कर रहे हैं तो समझो कि हम 700 बच्चों से हम कट ऑफ में पीछे जा रहे हैं। इसलिए ये एक्सरसाइज रनिंग तो कर ले रहे हैं मगर छोटी सी गलती के कारण हम जो है अपना जो है 7 पॉइंट का माइनस कर रहे हैं, 7 या 14।
दो पुलम माइनस हुए थे 14 पॉइंट्स का, 14 जहां माइनस हो गए तो समझ लो कि हम जो है 1400 पर चूसते हम कट ऑफ में पीछे हो गए हैं। नंबर थ्री एक्सरसाइज अब कॉम है, अब एक यहाँ पैंडू सर गया है और टो टच करें आप ये हमारा थर्ड टो टच का नंबर नंबर चार एक्सरसाइज अप गो इस प्रकार इसको पकड़े और ये एल में सीधा पीछे स्टेट में अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। दोस्तों ये है हमारा पुल अप का, आप इस एक्सरसाइज इन एक्सरसाइज को पक्का रखें वर्कआउट के साथ साथ, जैसा ये हमारे बच्चे अभी जीरो से शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग, वैसे वैसे इसको बढ़ाएं और आपको 110% आपका रिजल्ट मिलेगा। और जो बच्चे फिर मैं बता रहा हूँ जो बच्चे कट ऑफ में आपका यदि 7 पॉइंट जहाँ माइनस होता है तो बहुत कट ऑफ के अंदर बहुत ज़्यादा चला जाता है, इसलिए इस कट ऑफ से आप कट ऑफ में आने फर्स्ट आने के लिए आप 100 मतलब दे रहे हो 100 फिजिकल में लेने 100 मार्क्स लेने आपने तो आप यदि आप पुल अप में कमजोर हो तो ये 3-4 एक्सरसाइज पक्का रखें 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी दोस्तों किसी भी फिजिकल की साइड से रिटर्न की साइड से कोई भी प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का लिखें और पक्का सिचुएशन जो भी है पक्का हमसे पूछें। हम इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं और मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ, कोई हमेशा कभी भी हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं और पक्का हमारे वीडियो में कमेंट्स पक्का करें और पक्का पूछें। यदि चाहे वो फिजिकल साइड से किसी साइड हो स्टेप नहीं बनने हो या रनिंग कर रहा है सेकंड राउंड थर्ड राउंड में सांस फूल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बच्चे की जब नया बच्चा 12th पास का आता है शुरू करता है तो, या जो है इनमें सिम पिन हो रहा है कैसे ठीक होगा ये चीज़ पक्का। और आगे भी जो बच्चे कर रहे हैं हमारी वीडियो शेयर करें और लाइक करें और पक्का जो भी प्रॉब्लम है हमें पक्का संपर्क करें कॉल करें। अभी के लिए जय हिंद राम राम।